एयर इटसेल्फ सीरीज सीजन वन या फिर मास्टर ऑफ ओवर में आज आप देखने वाले हो इसका थर्ड एपिसोड जिसका नाम है फैमिली मैन। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ये कहानी है डेनिस नाम के एक बैंकर की जो कि एक आइडियल लाइफ स्पेंड कर रहा है। उसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें है कैथी जो कि उसकी वाइफ है, उसकी बेटी कॉर्टनी और उसका बेटा शॉन जिनके साथ ये हर संडे चर्च जाता है। डेनिस एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड है और उससे भी अच्छा फादर। एक संडे वो चर्च से होकर अपने ऑफिस जा रहे कि तभी कैथी ने उसे कॉल की। वो सिग्नल क्रॉस करके आगे बढ़ रहा था कि तभी एक ट्रक ने सामने से आकर उसे टक्कर मार दी। उस ट्रक में दो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ था जिस वजह से उनके सर विंडशील्ड में लगे और वो मारे गए। लेकिन डेनिस ने चूंकि सीट बेल्ट बांध रखा था जिस वजह से वो अभी भी जिंदा था। कैथी कॉल पर ही थी इसलिए उसे उस एक्सीडेंट का पता चल चुका था, जिसके बाद कैथी बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डेनिस एक ग्लास विंडो से अपनी फैमिली को आवाजें लगा रहा था लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही टाइम बाद कॉर्टनी उस ग्लास विंडो के करीब तो आई लेकिन सिर्फ क्रॉस बनाने। डेनिस उससे बातें कर रहा था लेकिन वो तो इग्नोर कर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कॉर्टनी के सामने डेनिस मौजूद ही नहीं है। कुछ ही टाइम बाद एक रिचर्ड नाम का आदमी डेनिस के पास आया जो उससे कहता है कि ये ना तो तुझे सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि डेनिस मर चुका है और रिचर्ड नाम का ये आदमी भी। ये दोनों जो हमें दिख रही हैं ये सिर्फ इनकी आत्माएं हैं जो इस हॉस्पिटल में घूम रही हैं। लेकिन डेनिस चूंकि उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था तो रिचर्ड उसे कुछ दिखाने ले गया। वो दोनों जब चल रहे थे तो पूरा हॉस्पिटल फ्रीज था यानी कि टाइम भी रुक चुका था। रिचर्ड उसे आईसीयू में लेकर जाता है जहाँ रिचर्ड और डेनिस का ऑपरेशन चल रहा था। वहाँ पर हम शेरिफ और डेफ्टी को भी देखते हैं जिनकी वजह से रिचर्ड की डेथ हुई थी। एक्चुअली में रिचर्ड एक सीरियल किलर है, वो पुलिस से बचकर भाग रहा था लेकिन पुलिस की गोली उसे लग गई जिस वजह से ये मारा गया। और उसी टाइम डेनिस का भी एक्सीडेंट हुआ और इस तरह ये दोनों सेम टाइम पर सेम जगह पर पहुंचे। ये सब देखकर डेनिस काफी परेशान हो गया लेकिन रिचर्ड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वैसे भी उसे एक ना एक दिन तो मरना ही था। तभी अचानक सब कुछ व्हाइट हो गया। डेनिस ने देखा कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी थी। अब हमें लग रहा था कि शायद जो कुछ डेनिस ने देखा है वो उसका सपना होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेनिस अपनी फैमिली के बारे में पूछता है तो शेरिफ कहता है तेरी तो कोई फैमिली नहीं है। डेनिस को समझ ही नहीं आई लेकिन जब उसने मिरर में देखा तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया क्योंकि उसकी आत्मा गलत बॉडी में आ चुकी थी यानी कि रिचर्ड की बॉडी में। अब जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसे हिरासत में ले लिया गया। जॉन जो कि उसका लॉयर था वो उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि बेहतरी इसी में है तुम अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लो, क्या पता इससे तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाए। लेकिन डेनिस उससे कहता है कि मैं रिचर्ड नहीं हूँ बल्कि डेनिस हूँ, मैं एक बैंकर हूँ और मेरी एक फैमिली भी है। मेरा एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से मैं मर गया लेकिन फिर से जिंदा हुआ लेकिन इस दफा एक गलत बॉडी में, इसलिए मैंने कोई क्राइम नहीं किया। लेकिन जॉन को उसकी सारी बातें फजूल लग रही थी क्योंकि रिचर्ड का केस ही ऐसा है जिस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। यहाँ रिचर्ड को एक नाम भी दिया गया जो कि था फैमिली मैन क्योंकि ये फैमिलीज को मारने में फेमस है। सबसे पहले जो फैमिली रिचर्ड ने कत्ल की वो उसकी खुद की फैमिली थी जिनमें रिचर्ड के पेरेंट्स और दो बहनें। रिचर्ड ने उनके टुकड़े कर दिए थे और वो भी सिर्फ 12 साल की उम्र में। बाकी के मर्डर्स का कोई सबूत ही नहीं है क्योंकि उनकी बॉडीज कभी मिली नहीं। जॉन चाहता है कि रिचर्ड उन बॉडीज के बारे में बताए लेकिन डेनिस तो उन बॉडीज के बारे में कुछ जानते नहीं है तो बताएगा कैसे। डेनिस पूरी तरह से फंस चुका था। उसने एक दफा फिर से जॉन से रिक्वेस्ट की कि मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन चेक कर, मुझे पता चल जाएगा कि मैं रिचर्ड नहीं डेनिस हूँ। जॉन के जाने के बाद उसे एक सेल में डाल दिया गया जहाँ पुलिस ने डेनिस से क्रिमिनल वाला बिहेव रखा क्योंकि रिचर्ड था तो क्रिमिनल ही। जिस लड़की से डेफिटी की शादी होने वाली थी रिचर्ड ने उससे भी मार दिया उसकी फैमिली समेत। तो इस तरह डेफिटी की रिचर्ड से पर्सनल दुश्मनी हुई थी। डेफिटी ने उसे मारा लेकिन डेनिस को तो कुछ फील ही नहीं हुआ, शायद बॉडी किसी और की है इसलिए। वो सेल में बैठा परेशान हो रहा था कि तभी उससे कोई मिलने आया जो और कोई नहीं बल्कि खुद डेनिस था। लेकिन बॉडी डेनिस की थी, उसके अंदर आत्मा तो रिचर्ड की थी यानी कि रिचर्ड उसे मिलने आया था। इन दोनों की आत्माएं इनकी बॉडी से एक्सचेंज हो चुकी थी। ये बात डेनिस के लिए परेशानी का बास बनी क्योंकि रिचर्ड फैमिलीज के मामले में काफी फेमस था। तो अब डेनिस की फैमिली कितने दिन तक जिंदा रह पाएगी कुछ कह नहीं सकते। डेनिस ये सब सोचकर परेशान हो रहा था लेकिन रिचर्ड उससे कहता है कि अब मैं सुधर चुका हूँ, गॉड ने मुझे सेकेंड लाइफ दी है खुद को सुधारने के लिए, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। लेकिन डेनिस सोच रहा था कि अगर सब कुछ इतना परफेक्ट हो चुका है तो ये इससे मिलने क्यों आया है। तो रिचर्ड कहता है कि उसे डेनिस की हेल्प चाहिए होगी क्योंकि ऐसी लाइफ उसने कभी जी नहीं है, तो वो जानते ही नहीं है कि उसे क्या करना है, बैंक में उसे क्या करना है, इसलिए ये सारी बातें डेनिस उसे बताएगा। लेकिन डेनिस उसकी हेल्प क्यों करेगा, इसकी इतनी परफेक्ट लाइफ रिचर्ड ने छीन ली और अपनी घटिया लाइफ उसे दे दी तो डेनिस उसे सब कुछ क्यों बताएगा। वो इसलिए क्योंकि रिचर्ड ही वो
वो वाहिद इंसान है जो डेनिस को उसकी फैमिली के बारे में बता पाए। रिचर्ड की तरफ से ये एक डील है, वो रिचर्ड को उसकी जिंदगी के तौर तरीके सिखाएगा और बदले में रिचर्ड डेनिस को उसकी फैमिली की खैर खबर देता रहेगा। तो मजबूरन ये इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अब कुछ दिन बाद डेनिस से मिलने जॉन आया जो उसके लिए एक बुरी खबर लेकर आया। एक्चुअली पुलिस को रिचर्ड की टेप रिकॉर्डिंग मिल चुकी है जिसमे वो फैमिली को टॉर्चर करके मार रहा है। जॉन उसे कहता है कि तेरे पास मौका है, बता दे फैमिली को मारकर कहां दफना रखा है, इससे तो फांसी से बच जाएगा। लेकिन डेनिस उसे कहता है कि मैं कैसे बता दूं जबकि मैं रिचर्ड नहीं हूं। दूसरी तरफ रिचर्ड डेनिस की फैमिली के साथ संडे वाले दिन चर्च पहुंचा जहां वो सबसे तेज प्रेयर कर रहा था क्योंकि गॉड ने उसे नई लाइफ जो दे दी। ये सब देखकर डेनिस की फैमिली काफी हैरान थी। लेकिन यहां रिचर्ड ने एक गलती कर दी। कोर्टनी और शान हर बार की तरह इस बार भी अपने फ्रेंड के साथ डोनट खाने जा रहे थे लेकिन रिचर्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मेरे बच्चों को कहां ले जा रहे हो। तब कैथी ने उसे टोका कि ये तो हर बार जाते हैं, लेकिन उसे थोड़ी ना पता था कि हर बार जाते हैं। घर आकर कैथी उसे पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया। तब रिचर्ड कहता है कि आजकल बच्चे सेफ नहीं, कुछ ही देर में नजर हटी तो क्या से क्या हो जाए। पूरी डिटेल में वो कैथी को सब कुछ बता रहा था और बच्चे भी ये सब सुन रहे थे। ये सब सुनकर कैथी और बच्चे काफी हैरान थे। लेकिन आखिर में मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ वाला ड्रामा करके उसने सबकी सिंपथी भी ले ली। अब कुछ टाइम बाद डेनिस ने घर पर फोन किया और कैथी को बता दिया कि मैं डेनिस हूँ, घर में जो तुम्हारे साथ है वो सिर्फ एक बहरूपी है, बच्चों को लेकर घर से भाग जाओ। लेकिन डेनिस तो उसके सामने खड़ा था तो वो ये सब कैसे मान ले। कैथी ने फोन उसे दिया तो रिचर्ड ने कहा फोन बंद कर वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। उसने कैथी से कहा कि मैं नंबर चेंज करवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। उधर सेल में डेनिस की खूब सेवा की जा रही थी। अब कुछ दिन बाद रिचर्ड फिर से डेनिस से मिलने आया तो डेनिस ने उससे कहा मेरे अकाउंट में काफी सारे पैसे हैं, तू सारे पैसे ले जा और मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दे। लेकिन रिचर्ड ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। पुलिस के ऊपर भी दबाव था कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाओ वरना FBI को दे दो, इसलिए शेरिफ भी पूरा जोर लगा रहा था। वो डेनिस को लास्ट ऑफर देता है कि कल शाम तक सब कुछ बता दे वरना तू मरेगा। उधर रिचर्ड फैमिली को लेकर बाहर गया जहां पार्किंग की वजह से उसका झगड़ा हो गया। डेनिस वाला बिहेव छोड़कर वो अपनी पर आ गया तो बदले में उससे भी नॉकआउट होना पड़ा, जिस बात का गुस्सा उसने फैमिली पर निकाला। तब कैथी को भी थोड़ा शक हुआ क्योंकि जो कुछ ये कर रहा है डेनिस ने आज तक ये सब कुछ नहीं किया। उधर जॉन डेनिस को बताता है कि मैंने तेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन चेक कर ली लेकिन इससे तू बेकसूर साबित नहीं होता और डेनिस तो तुझसे मिलने भी आता है, यानी कि वो तेरा दोस्त है, तू सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। और ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। डेनिस को उम्मीद थी कि रिचर्ड उससे मिलने आएगा लेकिन वो आया नहीं तो डेनिस को और ज्यादा फिक्र होने लगी। बैठे बैठे वो अपनी बच्ची के प्ले में पहुंच गया लेकिन उस प्ले में भी कुछ अजीब ही चल रहा था। गाते गाते उसकी बेटी खून में कवर हो गई। ये देखकर डेनिस की आंख खुली और जागते ही उसने कन्फेस कर दिया कि मैं बॉडीज के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद वो शेरिफ और डेप्यूटी को लेकर अपने घर वाले इलाके में पहुंचा जहां मौका पाते ही उसने उन दोनों का काम तमाम किया और फिर हथकड़ियां खोलकर वो भागा तो शेरिफ ने उस पर गन फायर कर दिया जिससे एक गोली उसके पेट पर लगी लेकिन वो फिर भी भागता रहा। ऐसे ही भागते हुए वो अपने घर तक पहुंचा जहां रिचर्ड अकेला था। एक दूसरे को देखते ही दोनों ने एक दूसरे के अंदर चाकू घुसाए, उन दोनों की काफी फाइट हुई और आखिर में डेनिस ने रिचर्ड को चौक करके बेहोश कर दिया। तभी वहां शेरिफ आया जिसने डेनिस का काम तमाम कर दिया और वो दोनों फिर से उसी स्टेट में पहुंच गए। कुछ टाइम के बाद डेनिस को होश में लाया गया और इस दफा वो जागा लेकिन अपनी बॉडी में, यानी कि रिचर्ड मारा गया। अब डेनिस को सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलना था तो वो ऊपर वाले रूम में पहुंचा जहां उसे कैथी की लाश मिली, यानी कि रिचर्ड पहले डेनिस की फैमिली को मार चुका था। अब बचा था डेनिस लेकिन वो भी नहीं बच पाया क्योंकि कोर्टनी जिंदा थी। और जब शेरिफ ने उससे पूछा कि तुम्हारे माँ और भाई को किसने मारा तो कोर्टनी ने उंगली कर दी डेनिस की तरफ, यानी के बचकर भी ये नहीं बच पाया, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।